शर्टिंग शूटिंग का सबसे बेहतरीन कलेक्शन नवकार फैब्रिक्स छाटोल, जहां पाएंगे सबसे कम दाम में सबसे बेहतरीन क्वालिटी। नवकार फैब्रिक्स छाटोल, जोधपुर सूट, कुर्ता पैजामा, सफारी सूट, पैंट शर्ट हो या फिर शादी पार्टी के लिए कपड़े, नए डिजाइन व बेहतरीन रेंज में उपलब्ध। नवकार फैब्रिक्स छाटोल, डॉक्टर हेडगेवार मार्ग छाटोल। संपर्क करें 9166520734। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। केंद्र सरकार का 450 में सिलेंडर देने से इनकार, राजस्थान में बीजेपी ने किया था वादा, केंद्र का जवाब, सरकार ने ऐसा कोई वादा नहीं किया। केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जावेद अली के सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी भी योजना से इनकार किया है। जावेद अली ने सवाल पूछा था कि क्या राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है, क्या सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना पर काम कर रही है। इस सवाल के जवाब में केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखा, नहीं, भारत सरकार ने राज्य में इस तरह की कोई घोषणा नहीं की है, इसकी कोई योजना नहीं है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। गहलोत सरकार ने उज्ज्वला परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर देना शुरू किया था। गहलोत राज में राज्य सरकार ही सब्सिडी का पैसा वहन करती थी और अब राज्य में बीजेपी की सरकार है। 450 रुपए में सिलेंडर देने की योजना पर बचा हुआ पैसा आगे भी राज्य सरकार को ही देना होगा, केंद्र सरकार इसमें कोई मदद नहीं देगी। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने जवाब में आगे लिखा, सरकार ने 30 अगस्त 2023 को एलपीजी सिलेंडर पर 200 रुपए की कमी की है। भारत सरकार 2022, 23 और 23-24 में भी 12 सिलेंडरों की रिफिलिंग पर प्रति सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी दे रही है। अक्टूबर 2023 से उज्ज्वला योजना में सब्सिडी फिर बढ़ाकर प्रति सिलेंडर 300 रुपए की गई है।